दूसरी चीज़ ये सोलर का जो प्लान है और जो हाउसिंग का है, जिसमें आपने कहा है कि डिजर्विंग मिडिल क्लास, इसको थोड़ा हम और समझना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही स्कीमें बहुत सिग्निफिकेंट हैं और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो जनरेट करेंगी। हाउसिंग का विषय पीएम आवास ग्रामीण वगैरह हो रही है, वो गरीब के लिए, इससे बढ़ करके एक 45 लाख का अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम भी है, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है, टैक्स का छूट भी मिलता है, मगर इन दोनों के बीच में रेंटल हाउस में रहने वाले, रेगुलर नहीं हुआ ऐसे कॉलोनी में रहने वाले या चौल जैसे मुंबई में रहने वाले, वो गरीब के हिसाब किताब में नहीं आता, 45 लाख के घर में नहीं आता, उनके लिए क्या? इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी रिपब्लिक डे के दिन रेड फोर्ट के परिसर से यही चार वर्गों का वर्णन भी किए कि आप किराए वाले मकान में रह रही हो या चौल में रह रही हो या इरेगुलर कॉलोनीज में रह रही हो, झुग्गी चौपड़ी में, ऐसे भी लोग जो गरीबी रेखा से शायद जस्ट अबाउट अबव है, मगर वो 45 लाख कैटेगरी में नहीं हो सकता है क्योंकि उतना खर्च वो कर नहीं सकते, उनके लिए क्या? उनको भी घर मिलना चाहिए, उसके लिए ये प्रावधान। बिल्कुल, आपने मुंबई का चूंकि जिक्र किया, ये सचमुच बहुत ट्रेजिक है कि लोग 50-50 100-100 किलोमीटर दूर रहते हैं अपने वर्क प्लेस से। इसमें कोर इशू क्या है? कोर इशू है लैंड, और उसमें बहुत क्लैरिटी और बोल्ड मूव्स की ज़रूरत है। जैसे ही आप लैंड अवेलेबल करा देंगी तो बिल्कुल प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, तो ये इससे जुड़ा हुआ हम माने कि इसमें कुछ होने वाला है। उसका विवरण अभी वर्कआउट कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स बैठ करके, स्टेट गवर्नमेंट जहाँ इन्वॉल्व होना है उनको भी इन्वॉल्व करेंगे,